आज मैं आपको फोटोशॉप के अंदर एक यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा ग्रेडियंट टूल के माध्यम से आप फ़ोटो के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए इस पर मैंने कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट पुट किए हैं, देख सकते हैं नॉर्मल फ़ोटो है। अब इफ़ेक्ट देने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आता है। देख लीजिए इस फ़ोटो को एक बार और देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये नॉर्मल फ़ोटो है, देखिए एकदम प्लेन नॉर्मल फ़ोटो है जेपीजी फॉर्मेट में। इस पर मैंने कुछ ग्रेडियंट के कुछ ऑप्शन यूज़ किए हैं। अब देखिए ये देखिए देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से हम लोग कैसे नॉर्मल फ़ोटो के ऊपर ग्रेडियंट इफ़ेक्ट देकर कुछ लुक ही उसका चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस फ़ोटो को मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और ये मैं आपको बताऊंगा फ़ोटोशॉप 7 के अंदर। तो आपके पास जो भी फ़ोटोशॉप का वर्सन हो, चाहे वो 7 हो या लेटेस्ट वर्सन हो, प्रोसेस और तरीका सेम टू सेम है, किसी में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं, उसके बाद ओपन पे क्लिक किया मैंने, ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुला। अब यहाँ से मैं एक फ़ोटो लूँगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं नॉर्मल से एक फ़ोटो लूँगा यहाँ से, जैसे फॉर अपलोड फॉर मोरे फॉर यहाँ पर है वो फ़ोटो, ये देखिए फॉर रिकॉर्डिंग फ़ोटो फॉर ट्यूटोरियल्स इसमें गया। अब मैं सेम वही फ़ोटो लेता हूँ, जैसे ये वाला फ़ोटो है, इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल सा फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा जिससे कि ये जो ओरिजिनल फ़ोटो एज इट इज़ रहे, इस पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे अगर लेयर का पैलेट पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो भी फ़ोटो लेकर आते हैं उसका एक ऑलरेडी यहाँ पे बैकग्राउंड एक लेयर बना हुआ रहता है प्लस लॉक रहता है। तो नॉर्मली इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखा मैंने, इसको राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट एक लेयर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और इसका लेयर बन चुका है और मेरा जो बैकग्राउंड में ओरिजिनल जो फ़ोटो है एज इट इज़ है। अब क्या करेंगे, जो ऊपर का जो डुप्लीकेट लेयर बना हुआ है इस लेयर पर, यहाँ पर नीचे आइएगा लेयर का पैलेट में, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे एक बटन दिया हुआ क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पे तो देख सकते हैं इस तरह से देखिए फ़ोटो मेरा दिखने लगेगा, देखिए इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट फिल का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इसके डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको इस तरह कलर दिखाई देगा। अब यहाँ से मैं ये वाला कलर लेता हूँ, ये जो वॉयलेट ऑरेंज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, जैसे मेरा फ़ोटो दिखना बंद हो जाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो बाकी जो ऑप्शन है वो भी दिखने लगेगा। स्टाइल में लीनियर दिया हुआ है, यहाँ से जाइए, यहाँ से आपको कर देना है रेडियल, रेडियल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, स्केल इतना, रिवर्स पे मैंने क्लिक कर दिया, हो गया कुछ इस तरह दिखेगा। अब ओके पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब क्या होगा, लेयर का पैलेट में दिखेगा, अभी भी फ़ोटो इस तरह से आपको फ़ोटो दिखेगा नहीं, सिर्फ वो ऊपर का लेयर दिख रहा है। अब पीछे जो फ़ोटो है उसको इसके साथ डिस्प्ले करने के लिए अब यहाँ पे जो नॉर्मल का बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन से देखिए यहाँ पे आपको करना है लीनियर बर्न, लीनियर बर्न पे क्लिक कर देंगे तो देखिए फ़ोटो मेरा कुछ इस तरह दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से जैसे ड्रामेटिकल जो फ़ोटो बनाते हैं कुछ इस तरह से बना सकते हैं। और इस पर और भी अच्छा इसको करना है तो यहाँ पे देखिएगा फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें, इसके जो स्लाइडर हैं यहाँ से मैं कम कर दे रहा हूँ। देखिए फ़ोटो मेरा देखिए यहाँ पर 20-25 ऐसे ही आसपास मैंने इस पर रखा हुआ है। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं ओरिजिनल फ़ोटो आपको दिखाऊँ तो देखिए ये मेरा ओरिजिनल फ़ोटो था, इस पर देखिए ग्रेडियंट फिल इस तरह का इफेक्ट देने के बाद फ़ोटो का लुक कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ से फिल से आपको जितना रखना है इस स्लाइडर से कम ज़्यादा करके जितना आपको इफेक्ट देना है, जिस तरह रखना है आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया है यहाँ पे इसको। और अगर आपको अच्छा करना है तो इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है तो थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो और देखने में खिल जाएगा, थोड़ा सा खिला खिला नज़र आएगा। ये देख सकते हैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। सबको एक लेयर में मर्ज करने के बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है फ़ोटोशॉप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।